स्वप्न शास्त्र। किसी से न करें ऐसे शुभ सपनों का जिक्र, वरना बड़ा लाभ पाने से चूक जाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, शुभ सपने। सोते समय सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये सपने कई तरह के शुभ अशुभ संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र में इन सपनों से मिलने वाले संकेतों और फलों के बारे में बताया गया है, साथ ही किस समय देखे गए सपने सच होते हैं या जल्दी फल देते हैं इस बारे में भी बताया गया है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि शुभ सपनों के बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए, वरना सपने के शुभ फल में कमी आती है। वहीं बुरे सपनों के बारे में लोगों को बता देना चाहिए, इससे नकारात्मक असर कम होता है। आइए जानते हैं कौन से सपने बहुत शुभ माने गए हैं और यदि ये सपने दिखें तो इनके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। शुभ सपने जो देते हैं अपार धन, खुशियां। सपने में चांदी से भरा कलश देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चांदी के गहनों या सिक्कों से भरा कलश देखना बहुत शुभ होता है। ऐसा सपना आए तो इसके बारे में किसी को न बताएं। यह सपना सौभाग्य का संकेत देता है और बताता है कि आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं और खूब सुख समृद्धि मिलने वाली है। सपने में मछली देखना, सपने में मछली को तैरते हुए देखना या खुद को मछली पकड़ते देखना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा सपना बताता है कि आपको अचानक खूब सारा पैसा मिलने वाला है। इस शुभ सपने का जिक्र भी किसी से न करें। सपने में सफेद कमल या सफेद नाग देखना। नाग देवता को धन का रक्षक बताया गया है। यदि सपने में सफेद नाग दिखे तो इसका मतलब है आप जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। इसके अलावा कमल का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। सपने में कमल देखने का मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। इन सपनों का जिक्र भी किसी से न करें। सपने में फूलों का बगीचा देखना। सपने में फूलों का बगीचा देखने का मतलब है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। इस सपने का जिक्र भी किसी से न करें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कराएं, शेयर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।